सुन रहे हो इस बात को तो अपने अंदर, अपने माइंड में, अपने दिल में इसे रख लेना, लिख लेना कि परमेश्वर का दास जो है कि उसने ये बात कहा है कि आने वाले समय में उन्हें भारी पीड़ाओं से, भारी कष्टों से गुजरना पड़ेगा। जितने लोग परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आज्ञा से भागते हैं, उन्हें ये भारी पड़ रहा है ना, उन्हें कई गुना भारी विपत्तियों से होकर गुजरना पड़ेगा। आज की विपत्तियां आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपके आज आपके जो शरीर की अभिलाषाओं को आप मार रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत छोटा सा तुच्छ काम है, क्योंकि आने वाले समय में आप आनंदित होंगे। आप विपत्ति से नहीं परंतु आनंद से गुजरोगे। और जितने 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 परमेश्वर के इन भक्ति से भाग रहे हैं ना, उन्हें भारी पीड़ा से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनो, कब तक अविश्वास में जीवन जियोगे? क्योंकि ये अविश्वास आपको ठोकर खिलाएगा, आपको शैतान के मुंह में ढकेलेगा, आपको विनाश की तरफ खींच कर ले जाएगा। विनाश के उस दलदल से बचो, क्योंकि जे उस दलदल में जब मनुष्य फंस जाता है ना, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन है। क्योंकि वह दलदल ऐसा दलदल है कि मनुष्य को बाहर नहीं निकलने देता, उसमें डुबा डालता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपनी अपनी खुद की गवाही, अपने घर की गवाही बता रहा हूं, अपनी पत्नी की गवाही। वह भी, उसको भी मैं जब प्रभु में उसे लाया, तो उसके बाद उसे मैं प्रभु के ऊपर विश्वास को मजबूत करने के लिए उसे जब उपवास की बातें करता था, वह उपवास से भागती थी, बहुत भागती थी। मैं काफी दबाव भी डालता था, डांटता भी था, लेकिन फिर भी वह भागती थी। क्यों? क्योंकि वह कहती थी कि बिना खाए हमसे रही नहीं जाएगा, मुझे चक्कर आना चालू हो जाएगा, मैं कभी उपवास नहीं की हूं। मैं बोलता था कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो, परमेश्वर रखने वाला है, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम खुद में बलवंत हो जाओगी, खुद में रह लोगी, तुम्हें रखने वाला वह परमेश्वर है। इसलिए उपवास की प्रार्थना करो, वह परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, वह परमेश्वर तुम्हें तुम्हें अपना अधिकार देगा। वो बहुत दिनों तक भागती रही, बहुत दिनों तक भागती रही, मैं उसे समझाता रहा, भागती रही। 40 दिन का उपवास मैं रखा, उसको कहा कि नहीं, इसमें तो कम से कम शुक्रवार का जो कि उपवास तो उठा लो, वह नहीं उठाती थी, नहीं उठाने के लिए तैयार थी। और एक बार 40 दिन के उपवास में मैंने उसे काफी दबाव डाला, काफी उसे प्रेस डाला, कहा कि तुम एक काम करो, 40 दिन के पूरे उपवास को नहीं रख सकती, तो एक काम करो, तुम जो है कि शुक्रवार का उपवास रखो। उसने पहली बार, उसने जब उपवास उठाया, पूरे दिन उसने उपवास उठाया, क्या देखा कि परमेश्वर उसे भली भांति संभाल कर रखा, कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर अगली साल आया, उस दिन जब मैं 40 दिन के उपवास की बातें जब उससे कहा, तो उसने कहा हमसे नहीं रहा जाएगा। फिर शैतान उसे बहकाना चालू किया। मैंने कहा कि शुरुआत के जो 2-3 दिन है उसको रखो, और लास्ट में तुम गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर तक रखो। मैं काफी समझाया, बुझाया, हिम्मत और बल दिया, विश्वास को जगाया। जब उसने 3 दिन का उपवास उठाया और देखा कि परमेश्वर उसको काफी हिम्मत और बल के साथ 3 दिन संभाल कर रखा, तब जाकर उसका विश्वास जागा, कहा कि अब तो मैं रह लूंगी। और उसने क्या किया, उसके बाद से उसने उपवास रहना चालू किया, शुक्रवार का पर डे वह उपवास रखना चालू किया। फिर उसके बाद जब अगला साल आया, तो मुझे कहना नहीं पड़ा, वह खुद आकर मुझसे कह रही है कि मैं भी 40 दिन का उपवास उठाऊंगी। और उसने 40 दिन के उपवास को उसने मेरे साथ जो है कि उसने वह रहकर वह 40 दिन के उपवास को पार किया, और उसे परमेश्वर भली भांति संभाल कर रखा। उसके बाद उसका जो विश्वास है ना,